मैं कुशवाहा आज फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो और एक नए कंटेंट के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑफिशियल लिंक है, तो ये ऑफिशियल लिंक आप लोगों को इन्फो टीचिंग से जोड़े रखेंगे, तो ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। तो सभी लिंक से जुड़े और इन्फो टीचिंग को पॉजिटिव सपोर्ट दें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेशन भी मिल सके। सो चलिए आज के कंटेंट की ओर चलते हैं। आज का जो कंटेंट है वो हमारा जीके से रिलेटेड है और जीके में कैटेगरी वाइज जो हमारी सीरीज चल रही है उसको मैंने कंटिन्यू किया है, बट यहाँ पर एक सबसे स्पेशल कैटेगरी आई है हमारी स्पोर्ट्स रिलेटेड जीके से, यानी कि जो हमारे खेलों से संबंधित जीके है, जनरल नॉलेज है, उसके बारे में हम सीरीज को आज मैंने पार्ट वन लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ MCQs कवर किए हैं, तो ये सीरीज भी हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी DSSSP और जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड हमारी प्रिपरेशन इन्फो टीचिंग के थ्रू चली रही है, तो इन सभी वीडियोस को फॉलो करें जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? तो यूकी भावरी का जो संबंध है वो है हमारा टेनिस से। टेनिस द करंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में, तो क्षेत्र के अकॉर्डिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन है सिनेमा, सेकंड है साहित्य, थर्ड है खेलकूद, या लास्ट वन इज विज्ञान। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका खेलकूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो DCM ट्रॉफी का संबंध है हमारा फुटबॉल से। फुटबॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फेलिप्स किस खेल से संबंधित हैं? माइकल फेलिप्स, तो माइकल फेलिप्स है हमारे तैराकी यानी कि स्विमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि अर्जुन पुरस्कार देना कब प्रारंभ किया गया था? तो ईयर बताना है, तो यहाँ पर ईयर है हमारा 1961 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? सर डॉन ब्रैडमैन ने, तो इन्होंने की है क्रिकेट में। क्रिकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों 2012 में रजत पदक प्राप्त किया था? रजत पदक प्राप्त किया था इन्होंने निशानेबाज में, तो और लंदन में हुए थे ये ओलंपिक खेल, तो वो है हमारे विजय कुमार। विजय कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा, तो ये है हमारा कबड्डी। कबड्डी से संबंधित है स्पर्श रेखा। तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि कबड्डी में एक तरफ यानी कि दो टीम्स होती हैं और दोनों टीमों के बीच में एक लाइन खींची जाती है और उस लाइन को छूना एक जीत का सबसे बड़ा पहल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग स्पर्श रेखा हमारा कबड्डी से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के जो हमारा 2012 में हुए थे, तो मेल के अकॉर्डिंग बताना है, तो विजेता है हमारे नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 seconds किस खेल से संबंधित है? 3 seconds, तो 3 seconds ये है हमारा बास्केटबॉल से संबंधित। बास्केटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ईरानी कप किस खेल में दिया जाता है? तो हॉकी, पोलो, क्रिकेट या फुटबॉल। तो करेक्ट आंसर है हमारा क्रिकेट। क्रिकेट में दिया जाता है ईरानी कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? बहुत ही ज्यादा नॉर्मल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन और काफी चर्चित है ये चीज, तो लॉन टेनिस से। तो सानिया मिर्जा लॉन टेनिस से संबंधित है, और हालांकि ये SSC में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पर यही सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, बट ऑप्शन में दे रखा था टेनिस और लॉन टेनिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो कई कैंडिडेट्स ने बिल्कुल गलत टिक किया था, टेनिस उन्होंने किया था, और जहां पर लॉन टेनिस अगर मेंशन करा है तो आप लॉन टेनिस पर ही टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ओनली टेनिस दे रखा है
और लॉन टेनिस नहीं है देन आप टेनिस टिक कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑप्शन में लॉन टेनिस और टेनिस दोनों हैं तो आपको लॉन टेनिस टिक करना है। तो इस वजह से भी कई क्वेश्चन आते होते हैं जो हमारे मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें ध्यान से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर कट किस खेल से संबंधित है? अपर कट, तो अपर कट है हमारा बॉक्सिंग से संबंधित, बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती हैं? तो खो खो में होती हैं 8 क्रॉस लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी जो सबसे ज्यादा एक जाने माने प्लेयर रह चुके हैं और काफी अच्छा प्रदर्शन था इनका, तो वो है हमारे मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद। और इन्हें हॉकी का जादूगर एक नाम दे दिया था, एक टाइटल दे दिया था, तो उसे इनकी प्रसिद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? यानी कि तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो हॉकी के खिलाड़ी हैं और एक ऐसा है जो हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो जी एस रामचंद हमारे हॉकी के खिलाड़ी नहीं है, और ए बी और डी यानी कि पृथ्वी पाल सिंह, अशोक कुमार और बलवीर सिंह, ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था? सम्मान, तो राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया था योगेश्वर दत्त को, योगेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं हमारे जैक्स रोगे, जैक्स रोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीते हैं? तो 2012 की बात हो रही है और सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, आइस हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है यानी कि नेशनल प्ले बेसबॉल, बेसबॉल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, हॉकी इज द करेक्ट आंसर। जापान का राष्ट्रीय खेल, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, जूडो इज द करेक्ट आंसर। पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ? तो मणिपुर में हुआ है पोलो खेल का प्रचलन, पोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया, यानी कि किस कैटेगरी के लोगों ने प्रारंभ किया था? तो तुर्क, तुर्की लोगों ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबड्डी खेल के जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कबड्डी खेल का जो जन्मदाता देश है वो भारत को कहा जाता है, भारत। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी ही है, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और कबड्डी खेल का जो जन्मदाता है वो भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? शतरंज, तो शतरंज भी भारत देश का यानी कि जन्मदाता भारत को माना जाता है, सबसे पहले जो इस खेल का प्रचलन है वो भारत में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत नॉर्मल है क्वेश्चन, और इंग्लैंड यानी कि इंटरनेशनल प्ले के अकॉर्डिंग आता है ये, तो इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध यानी कि फेमस प्ले जिसे कह सकते हैं, तो क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7, तो दोनों पक्ष में हो गए हमारी 14 प्लेयर्स होते हैं हमारे दोनों पक्षों के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोलो के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
पोलो के प्रत्येक पक्ष में होती है हमारी चार खिलाड़ी, चार खिलाड़ी होते हैं पोलो के प्रत्येक पक्ष में, यानी कि एक पक्ष में चार और नेक्स्ट अदर में भी चार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है? तो बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या होती है नौ, नौ इज द करेक्ट आंसर, नाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल के प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वॉलीबॉल में होती है छः, छः प्लेयर्स होते हैं अलग अलग टीमों में, यानी कि छः उधर छः उधर, तो टोटल टोटल तो नहीं कह सकते बट अलग अलग जो पक्ष है उसके अकॉर्डिंग छः प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बास्केटबॉल में प्रत्येक पक्ष में होती है पांच खिलाड़ी, पांच खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल की टीम में महिला और पुरुष दोनों होते हैं, यानी कि दोनों खिलाड़ी होते हैं? कौन सा ऐसा खेल है जिसके अंदर महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं? तो वह हमारा कॉर्फ बॉल, कॉर्फ बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? दादा यानी कि दादा एक भाई, जिसे भाई कह सकते हैं हम, एक ब्रदर का दर्जा दिया जाता है, बड़े भाई का दर्जा, तो दादा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की जो टाइम है वो कितना होता है? तो वो है हमारा 90 मिनट्स, 90 मिनट्स यानी कि डेढ़ घंटे की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल वॉल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वॉल्ट का बादशाह, तो पोल वॉल्ट का बादशाह कहा जाता है सर्गेई बुबका, सर्गेई बुबका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट खिलाड़ियों में मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, क्रिकेट खिलाड़ियों में मध्य हॉलीवुड के नाम से जाना जाता है शेन वॉन को, शेन वॉन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर जाना जाता है? ग्रेट डिलियर उपनाम, तो ग्रेट डिलियर के नाम से कौन जाना जाता है जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय अंपायर, सॉरी क्रिकेट अंपायर रह चुके हैं? तो वो है हमारा डी की वर्ड, डी की वर्ड। तो ये थे हमारे 40 क्वेश्चंस आज की वीडियो के, जो जीके यानी कि स्पोर्ट्स जीके से रिलेटेड है, और बहुत ही ज़्यादा कई कैंडिडेट्स इस चीज़ के लिए भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिमांडेबल है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड वीडियो, देन तभी मैं इस सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू करा है। तो आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और भी जो सीरीज़ कंटिन्यू चल रहे हैं वो तो मैं कंटिन्यू करूँगी ही। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेशन मिल सके और इन्फो